कि जो खुदकुशी करते हैं, क्या उनके जी नमाज जनाजा पढ़ना चाहिए या नहीं? अल्लाह के नबी सल्लम के सामने ऐसा वाकया पेश आया था, तो अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद नहीं पढ़ा था लेकिन दूसरों को पढ़ने के लिए कहा था। इसलिए इस मसले के अंदर सही बात यह है कि समाज के अंदर एक मैसेज भी जाना चाहिए कि इस आदमी ने गलत किया है, और खुद ये मैसेज भी जाना चाहिए कि खुदकुशी करने से कोई काफिर नहीं हो गया है, वो मुसलमान ही है। ये दोनों मैसेज जाना चाहिए। एक मैसेज तो ये कि इसने गलत किया है, दूसरा मैसेज ये कि ये मुसलमान ही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा उस शख्स की नहीं पढ़ी, ये मैसेज गया कि इसने गलत किया है। दूसरों को पढ़ने के लिए कहा, इससे ये मैसेज गया कि ये मुसलमान ही है। लिहाजा अगर समाज और मुआशरे में कुछ सरकर्दा लोग हैं, या मान लीजिए जैसे मस्जिद का इमाम है या उस आपके गांव का कोई बड़ा आलिम है, वो जो है कह दे कि जाओ दूसरे लोग पढ़ लो, मैं नहीं पढ़ूंगा, तो इस तरह से किया जा सकता है। लेकिन मुकम्मल तौर से कोई ना पढ़े, ये गलत है। वो मुसलमान है, जिस तरह से एक मुसलमान की नमाज जनाजा पढ़ी जाती है उसी तरह उसकी भी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। खुदकुशी करने से कोई काफिर नहीं हो गया, उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने वो मसूल है, और खुदकुशी करने के सिलसिले में बहुत सख्त वईद आई है। वो आदमी जो खुदकुशी करता है, कयामत तक उसी तरह से अजाब दिया जाता रहेगा जिस तरह से उसने अपनी जान ली है। मान लीजिए किसी ने अपने आप को शूट कर लिया है, अब कयामत तक ये अजाब उसको होता रहेगा, इतनी सख्त जो है उसकी सजा आई है। तो उसने बहुत बड़ा गुनाह किया है, इसलिए ये मैसेज जाना चाहिए कि इसने गलत किया है। अब अगर चंद सरकर्दा लोग जो हैं वो उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है, लेकिन और बाकी उमूमी लोग उसकी नमाज जनाजा पढ़ेंगे।